क्या सोवियत दौर के स्मारक गिरा देने चाहिए? बुल्गारिया की राजधानी के केंद्र में बना यह स्मारक विवादित है। यह सोवियत सेना को समर्पित है जिसने सितंबर 1944 में बुल्गारिया के खिलाफ जंग छेड़ी थी। अब प्रशासन समझ नहीं पा रहा है कि इसका क्या किया जाए। कुछ लोग इसे गिराना चाहते हैं, कुछ सहेजना चाहते हैं, तो कुछ इसे म्यूजियम बनाना चाहते हैं। कुछ कलाकारों ने इसे विरोध प्रदर्शन का ठिकाना बना दिया है। 2013 में ये स्मारक गुलाबी रोशनी में दिखाई दिया। 1968 में प्राग स्प्रिंग मूवमेंट को दबाने में बुल्गारिया की भागीदारी के लिए अफसोस जताने के लिए ऐसा किया गया था। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाते हुए यह नीली और पीली रोशनी में जगमगाया। पूर्वी यूरोप के बाकी देशों में सोवियत दौर के कई स्मारक गिराए जा चुके हैं, लेकिन बुल्गारिया में अब भी बहस चल रही है कि इन स्मारकों और अपने कम्युनिस्ट इतिहास के साथ कैसे पेश आएं। आपके हिसाब से इस स्मारक के साथ क्या किया जाना चाहिए?